कांग्रेस की ओर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रविवार को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कोटा से भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष ने बताया कि हल्ला बोल महारैली में शामिल होने के लिए कोटा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बसों, ट्रेनों और निजी साधनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रैली में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली रवाना हुए। महंगाई को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो मोदी सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से महंगाई बढ़ी है इन 7-8 सालों में, और महंगाई जो है आप हर चीज़ देख लें, महंगाई चाहे गैस सिलेंडर देख लें, तो 2014 से आप कैलकुलेशन करें जिस टाइम कांग्रेस की सत्ता से बाहर हुई थी और मोदी सरकार में आए थे, और आज के कैलकुलेशन देख लें तो गैस सिलेंडर जो 390 का था वो आज 1100-1200 का हो गया है। पेट्रोल डीजल के भाव, जो पेट्रोल के भाव उस टाइम 65 थे जो आज 110-112 हो चुके हैं, डीजल के 54-55 थे जो आज 100 से ऊपर हो चुके हैं। हर चीज़, यहाँ तक कि खाद्यान्न, खाने पीने की वस्तुओं में GST लगा दी, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। आम आदमी, गरीब तबके का व्यक्ति बुरी तरह से महंगाई के नीचे दब चुका है। इसी महंगाई को लेकर कल 4 तारीख को दिल्ली में 11 बजे रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया गया कांग्रेस हल्ला बोल रैली, उसी में हम कोटा के लोग भी यहाँ पे हजारों की संख्या में जा रहे हैं।